बार बार करते खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। हमको विश्वास था अपने नेता के नेतृत्व पर, कोई कहीं नहीं जाएगा और कोई कहीं गड़बड़ भी होगा सही हो जाएगा और सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि ऐसे नेताओं का खुदा का भी दुआ रहता है और हम लोग सरकार बनाए, जिसको शायद बहुत लोगों को ये गड़बड़ी थी कि हम गड़बड़ करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में मैं जानता हूँ जब तक नेता नीतीश जी रहेंगे, बिहार उनके साथ चलेगा, ये बिहार के लोगों ने बता दिया। बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन टूटा, एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार बार पलटवार एनडीए की सरकार पर किए जा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर कहीं ना कहीं ट्वीट कर यह साफ कहा कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार में हमने रोजगार निकालने की बातें कही थी, उसको देखते हुए शिक्षा विभाग में या फिर स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से लाखों लाख वैकेंसियां निकलनी है वो जल्द से जल्द निकाली जाए, तो वहीं लगातार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 17 महीनों में जिस तरीके से हमने महागठबंधन की सरकार में काम कर दिया, वो 17 सालों में एनडीए की सरकार ने काम कर नहीं दिखा पाई। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जमा खान हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जमा जी, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 17 महीनों में जो हमने काम कर दिया वो 17 सालों में एनडीए की सरकार ने काम करके दिखा पाई। देखिए, हमारी सरकार किसी पर टिप्पणी आलोचना नहीं करती। जो हम लोग ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं, जो नेता ने बराबर बिहार के विकास के लिए, बिहार कैसे आगे बढ़े उसके लिए चिंतित रहते हैं। आपको जानकारी है, बताना क्या है, किसी की आलोचना करना क्या है, क्योंकि हमारी सरकार जब से बिहार के अंदर बागडोर हमारे नेता ने थामा, जब से सरकार हमारी बनी है, ये मैं और आप नहीं पूरी दुनिया कहती है, बिहार में विकास दिखाई दिया। लोगों ने बिहार के बारे में जो पहले की सोच गलत थी वो सोच अच्छी हुई हमारे नेता के नेतृत्व में, सब लोग जानते हैं और बहुत कहने चिल्लाने की जरूरत नहीं, देश दुनिया देख रही है। हमारे नेता ने बराबर बिहार के हर समाज का विकास हो, आर्थिक दृष्टिकोण से लोग मजबूत हों, रोजगार मिले और मानवता नैतिकता के साथ, भाईचारा मोहब्बत के साथ मेरा बिहार आगे बढ़े, इसके लिए हमारे नेता चिंतित रहते भी हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कौन क्या कह रहा है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। इतना कहना चाहूँगा आने वाले नौजवानों को, आने वाले किसी पार्टी संबंधित हों, हमारे नेता से काम सीखें, हमारे नेता का काम करने का तौर तरीका सीखें। हमारे नेता ने सबसे बड़ी बात है, जितने भी समाज में समय समय पर महापुरुष पैदा हुए हैं उनके बातों को लेकर चले या काम करते हैं, उनकी बातों को लेकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इससे बड़ा 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 क्या हो सकता है, जो नेता का पूरा बिहार अपना परिवार हो, फिर अपने परिवार के बारे में कुछ जानते ही नहीं, अगर उन्हें सोचा है, समझा है या एक कदम आगे बढ़ाया है, तो पूरे बिहार के विकास, पूरे बिहार के नौजवानों के लिए सम्मान, पूरे बिहार के जनमानस के सम्मान की बात उन्होंने की है, ये सब जानता है। लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार में हमने लाखों लाख वैकेंसियां निकाली, ऐसे में कई सारी वैकेंसियां निकलनी थी उसको भरने की बातें कर रहे हैं। ये सब समझ रहा है, ये कहने की बात नहीं। आज जिस डिपार्टमेंट में हूँ, अगर यहाँ का मैं विकास कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर नेता के नेतृत्व में हो रहा है, नेता का निर्देशन होगा तभी होगा। तो आज जो भी रोजगार मिले हैं, जो भी व्यवसाय, में आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे वो साथ थे, आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन नेता ने ही किया है ना, नेता के नेतृत्व ही नहीं काम हुआ है। आज जो भी देश के अंदर काम हो रहा है, जो निर्देशन वहाँ से होता है दिल्ली से, वही होता है। हमारे नेता ने जो निर्देशन दिया, हर डिपार्टमेंट में काम हुआ, हर डिपार्टमेंट नियुक्तियाँ वहाँ पर हम लोग बांटे हैं, हर डिपार्टमेंट में अच्छा काम हुआ है, ये नेता का ही देन है ना। और मैं कहूँ कि मैं कर रहा हूँ तो बिना नेता के निर्देशन कैसे होगा? आप जानते हैं कि जब नेता का साइन होता है, नेता के नेतृत्व में हर काम होता है, नेता की सोच ही अच्छी रही है। मैं बता दिया कि मैं किसी का आलोचना नहीं करना जानता, मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन जब सरकार उनकी भी रही है, उनकी सरकार रही है, उनके घर के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके घर के लोग पूरे बिहार को नेतृत्व किए हैं, उन्हें क्या दिया है वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता, मेरा नेता काम करते हैं, नेता काम के नाम से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं और नेता के साथ, आज आपने देखा होगा, बार बार करते खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। हमको विश्वास था अपने नेता के नेतृत्व पर, कोई कहीं नहीं जाएगा और कोई कहीं गड़बड़ भी होगा सही हो जाएगा और सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि ऐसे नेताओं का खुदा का भी दुआ रहता है। जो आपने देखा कि हम लोग अच्छे मतों से चुनाव, मतलब कि इस बार बरामद हुआ और हम लोग और सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि ऐसे नेताओं का खुदा का भी दुआ रहता है। जो आपने देखा कि हम लोग अच्छे मतों से चुनाव, मतलब कि इस बार बरामद हुआ
और हम लोग सरकार बनाए, जिसको शायद बहुत लोगों को ये गड़बड़ी थी कि हम गड़बड़ करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में मैं जानता हूँ जब तक नेता नीतीश जी रहेंगे बिहार उनके साथ चलेगा, ये बिहार के लोगों ने बता दिया। जमा जी, लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी चल रहे, ऐसे में उनका बिहार आगमन हुआ है, आप ही के क्षेत्र की तरफ अभी भ्रमण कर रहे हैं, तेजस्वी यादव साथ ही बन के घूम रहे हैं, ऐसे में कैसे देख रहे हैं? हम बता दिए, किसी को हम आलोचना नहीं करना चाहते। जनता है, जनता जज होती है, जनता की अदालत में सब जानता है, जो जितना काम करता है जनता उतना उनको समर्थन करती है, प्यार देती है। चंद लोग हों भले अपने स्वार्थ में कहीं भी बात कह दें, लेकिन जनमानस किसके साथ है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और मैं जरूर कहूँगा जो आज दौरा कर रहे हैं वो करें, उनकी अपनी व्यवस्था है, चलने का, चलाने का, काम करने का तो तरीका है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे नेता से लोग सीखें, मेरे नेता ने जो काम किया है वैसे देश के अंदर काम होगा। निश्चित तौर पर आने वाले दिन में हमारे हिंदुस्तान समृद्ध और मजबूत होगा और साथ में भाईचारा मोहब्बत बना। चुनौती नहीं मानते हैं जमा खान राहुल गांधी की यात्रा को? कोई चुनौती नहीं, अपना वो काम कर रहे हैं, करें, उसमें कोई आलोचना नहीं, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ अपने नेता के बारे में जानता हूँ, नेता के नेतृत्व में हम लोग ढाल हैं, काम करने के लिए खड़े हैं, जहाँ निर्देशन करेंगे हम लोग काम करेंगे। देखिए, नेता के नेतृत्व में हम काम करेंगे, जहाँ निर्देश देंगे नीतीश कुमार वहाँ हम जाएंगे, वहीं कार्य लगातार हो रहा है, विकास लगातार हो रहा है बिहार में। जमा खान बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री क्या कुछ कहते थे आपने सुना हमारे साथ थे, ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार मिला है और लगातार बिहार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो फिलहाल जनता जवाब देगी, आलोचना नहीं करना चाहते, तो वहीं अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे। जमा खान क्या कुछ कहते आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।